हेलो एवरीवन, तो मैं आज आप लोगों से इंडियन कोस्ट गार्ड का सिलेबस डिस्कस करने वाला हूँ जो मैथमेटिक्स का आने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई, जो भी बच्चा पेपर देने वाला है, अगर देखो भाई आप टेक्निकल दे रहे हो तो उसका मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा अलग होता है। ठीक है, उसमें तो वो 11th 12th वाला मैथ पूछते हैं, बट मैं यहाँ पे जर्नल जो पेपर होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें भी जो मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है वो यही रहता है जो आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है ऑलरेडी चैनल पे। ठीक है, जैसे सिंप्लीफिकेशन हो गया, एल्जबरा, परसेंटेज, ये टॉपिक्स मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। जैसे मैंने एल्जबरा नहीं पढ़ाया है, तो एल्जबरा मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को, क्योंकि फिलहाल ट्रिग्नोमेट्री चल रही है आप लोगों की। ठीक है, देखो ये रहा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री भी आती है और मैं ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ एकदम से। ठीक है, और मैं बता दूंगा कहाँ तक आपके काम आएगी। मतलब पहले मैं ये सोच लो कि इंडियन कोस्ट गार्ड वाली ही पढ़ा दूंगा, ज्योमेट्री जो उसमें आने वाली है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए जो आने वाली है पहले मैं उसको पढ़ा दूंगा, उसके बाद जो आगे चलेगी मतलब थोड़ा हायर लेवल की रहेगी, 1-2 क्लासें, 3-4 क्लासें। ठीक है, जो अप टू SSC लेवल को कवर कर रही होंगी आपकी। ठीक है, परसेंटेज मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ा रखा है, मैं दोबारा भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो भी रहेंगे परसेंटेज के, ठीक है, 30-40 क्वेश्चन मैं और भी करवाऊंगा, नए वीडियो में बनाने वाला हूँ परसेंटेज के। फिलहाल आप जो पुराने वाले हैं उनको रिवाइज कर सकते हो। लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस आती हैं आपकी, ये XY वाली, ठीक है, इनके ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब भी करवा दिए जाएंगे। प्रॉफिट लॉस है, पहले भी पढ़ा रखा है, पॉलिनोमियल भाई, वो X² वाली इक्वेशंस जो होती है, ये टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, जैसे X² + 2X ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पहले भी पढ़ा रखा है और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं करवा दूंगा। सिंपल मेंसुरेशन भाई, कुछ मैंने आपको देखो मेंसुरेशन पढ़ाया था उस टाइम पे एयरफोर्स का, जब मैं आपकी तैयारी करवा रहा था, कुछ मैं अभी पढ़ा दूंगा आप लोगों को मेंसुरेशन। ठीक है, टाइम एंड वर्क पढ़ा रखा है, ज्योमेट्री, ज्योमेट्री भी मुझे पढ़ानी है, ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजेब्रा, फिर पढ़ा दूंगा मैं ज्योमेट्री भी आपको भाई। स्पीड टाइम डिस्टेंस मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेरे ख्याल में ये एवरेज, मीन, मोड, मीडियन वगैरह होते हैं उनका ये टॉपिक रहता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब। ठीक है, तो मैं ये एक टॉपिक ये भी आपको पढ़ा दूंगा, मीन, मोड, मीडियन वाला भी। ठीक है, तो कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।